तो माय डियर चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ प्रोनाउन। दीज आर प्रोनाउन वर्ड्स, ही, वी, दे, यू, इट, सी एंड आई। आई होप यू रिमेंबर अबाउट नाउन इन द प्रीवियस लेसन। द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। सो लेट्स लर्न अबाउट द प्रोनाउंस। अब हम प्रोनाउन के बारे में समझेंगे। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। द वर्ड्स दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। जो वर्ड्स नाउन्स की प्लेस पर यूज होते हैं उनको प्रोनाउंस बोलते हैं। ओके, द वर्ड्स that are used in place of nouns are called pronouns. Examples देखते हैं, he, she, it, we, they, you and I. These are the pronouns words. ये pronouns words हैं. Okay, let's see about the pronouns. Okay, now let's see us with the examples. He is used for a boy or a man. H E he. He, the verb is used for a boy or a man. Okay. Ram is my friend. He is a doctor. Here Ram is a boy. So we will use the pronoun verb in place of Ram, he. Whenever you going to talk about a boy or a man, you will convert the person, the boy or a man's name into he. Okay, next. She is used for a girl or a woman. S-H-E-C. She किसके लिए यूज होगा? एक गर्ल के लिए और एक वुमेन के लिए हम सी यूज करेंगे। ओके, एग्जाम्पल, प्रिया इज ए सिंगर, सी इज वेरी ब्यूटिफुल। हेयर प्रिया इज ए गर्ल, सो वी विल यूज द प्रोनाउन वर्ड इन प्लेस ऑफ प्रिया, सी, एस एच ई सी। प्रिया इज ए गर्ल एंड व्हेन वी आर चेंजिंग द नाउन, प्रिया विल बिकम सी। ओके, प्रिया एक गर्ल है तो हमें प्रिया जो नाउन है, नेम है, उसको रिप्लेस करना है, प्रोनाउन में यूज करना है तो हम सी यूज करेंगे। ओके, नाउ लेट सी विद द इट। इट इज यूज्ड फॉर एनिमल और थिंग्स। इट इज ए प्रोनाउन यूज्ड फॉर एनिमल और थिंग। इट एनिमल और थिंग्स के लिए यूज होता है। ओके, This is an elephant. It is very strong. Elephant is an animal. So we will use the pronoun verb in place of an elephant, it. Okay. Whenever we talk about an animal or anything, we will use the word in place of these animals and things, it. Okay. It, I have a book. Next example, I have a book. It is an old book. Book is a thing. So we will use in place of book, it. It is a pronoun verb and book is a thing. So we will use here it for book. It's an old book. Okay. You is used, you and we talking to someone in front of us. You is pronoun verbs used, you and we talking to someone in front of us. Example, you are a smart boy.
टीचर इज टॉकिंग टू द बॉय एंड सी सेइंग यू आर अ स्मार्ट बॉय। टीचर है बॉय से टॉकिंग, बातें कर रही है, तो वो बॉय से बोल रही है यू आर अ स्मार्ट बॉय। सो यू इज यूज फॉर यू एंड वी। ओके, वेन एवर यू टॉक अबाउट टू समवन यू विल यूज यू। नेक्स्ट, वी इज यूज वेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ एलोंग विथ अदर्स। ओके, वी प्रोनाउन इज यूज फॉर यू एंड यूअर टूगेदरनेस। आप जिसके साथ हो और आप भी वहां पर क्या हो, उनके साथ ग्रुप में हो, तो क्या यूज करेंगे, वी। फॉर एग्जाम्पल, यू आर टू और थ्री चिल्ड्रन टूगेदर, सो यू आर यूज वी बिकॉज एलोंग यू विथ देम। आप भी उन चिल्ड्रंस के साथ हो तो हम क्या यूज करेंगे, वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं। ओके, वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट यूर सेल्फ एंड समबडी एल्स विथ यू, जब आप अपने बारे में बात कर रहे हो और आपके साथ कोई और भी है, तो आप क्या यूज करेंगे, वी। यू विल यूज द वर्ड वी आर स्टडिंग। ओके, सो वी आर यूज फॉर वेन एवर यू आर टॉकिंग योर सेल्फ एंड समबडी एल्स विथ यू। ओके, नेक्स्ट, दे इज यूज वेन यू आर टॉकिंग अबाउट अदर पीपल एनिमल और थिंग्स, जब आप दूसरे व्यक्तियों के बारे में बातें कर रहे हो, वो ग्रुप में है और एनिमल्स के बारे में बातें कर रहे हो, एनिमल्स का ग्रुप है और थिंग्स का ग्रुप है, तो आप क्या यूज करेंगे, दे। ओके, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, हियर यू विल बी टॉकिंग अबाउट ए ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, सो पीपल्स आर प्लेइंग फुटबॉल, प्लेयर्स आर प्लेइंग फुटबॉल, सो यू विल यूज दे फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड, फॉर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, फॉर ग्रुप ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट, आई इज यूज वेन यू आर टॉकिंग अबाउट यूर सेल्फ, आई आप अपने लिए यूज करोगे। ओके, जब आप अपने बारे में कोई चीज बता रहे हो तो आप अपने लिए आई यूज करेंगे। एग्जाम्पल, माई नेम इज अभिषेक, मेरा नाम अभिषेक है, आई एम 6 years old, मैं 6 साल का हूं, तो आप अपने बारे में टॉक कर रहे हैं। लेट्स सी दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, हियर द बॉय नेम अभिषेक इज टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ, सो ही विल बी यूजिंग द वर्ड आई टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ। यहाँ पर अभिषेक अपने को रिप्रेजेंट करने के लिए आई का यूज कर रहा है। ओके, तो सो लेट्स चिल्ड्रन, ये हमारे प्रोनाउंस वर्ड्स थे, होप यू आर अंडरस्टूड। सो लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस। ओके, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विथ प्रोनाउंस, आपको अंडरलाइन वर्ड दिया गया है और उसकी जगह पे आपको प्रोनाउन वर्ड यूज करना है। मीरा इज अ डांसर, हेयर मीरा इज अ गर्ल, सो वी विल यूज द प्रोनाउन वर्ड हेयर रिप्लेस ऑफ मीरा, सी एस एच ई, सी इज अ डांसर। नेक्स्ट, द बेल इज रिंगिंग, इट इज रिंगिंग, द बेल इज ए थिंग, यहाँ पर बेल क्या है, थिंग है, सो वी विल यूज इन प्लेस ऑफ बेल इच। नेक्स्ट, विजय इज प्लेइंग क्रिकेट, विजय इज ए बॉय, सो वी विल यूज हेयर इन प्लेस ऑफ विजय, ही एच ई ही इज प्लेइंग क्रिकेट। माई नेम इज राज, आई स्टे इन दैट हाउस, राज इज ए बॉय एंड टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, वो अपने बारे में बात कर रहा है, सो वी विल यूज इन प्लेस ऑफ राज
आई, ओके, रोहन एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड, रोहन एंड आई, रोहन और आई क्या है यहाँ पर, प्लूरल फॉर्म्स में टू पर्सन से हैं और आप भी उसमें इंक्लूड हो, अपने बारे में भी आप बात कर रहे हो, तो हम क्या यूज करेंगे, वी विल गो टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे, रोहन एंड आई, सो यू आर इंक्लूडिंग ऑल्सो विथ रोहन, सो यू विल यूज प्रोनाउन वर्ड वी, ओके स्टूडेंट्स, बाय, सी यू.